then they have the man advantage. So last mein agar 20 point bhi leke nikle kya kharab hai. And yes, ab jab humne ye match chalu kiya tha kaskaro se pehle socha tha na ki har team ke paas agar 10 point bhi honge to shayad better rahega. To wohi focus hai abhi tak ka. Top 5 ke andar aa chuke hain, points kafi acche milenge, but I'm totally surprised with this guy Clutch God, cause काफी पहले यहाँ पे मोटर और उनके एक टीममेट यहाँ पे नॉकआउट होकर गेम से बाहर चले गए थे एगल्टॉस. उसके बाद क्लच गॉड ने यहाँ पे वाइपर को रिवाइव करा, तो वाइपर किल निकालता है, वाइपर एगल्टॉस क्लच गॉड को रिवाइव करता है, क्लच गॉड किल निकाला है. दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है इट्स सो गुड. यहाँ पे एलिमेंटिक्स के प्लेयर करके नॉकआउट हो जाए, एंटिटी के जोनाथन ने किल निकाली, उसके बाद इंस्टेंटली वहाँ पे ट्रेड नॉकआउट हो चुके हैं. उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बाद एक अच्छा रेजा जो होल्ड करके गेम में उनको आगे मदद कर सकता है. अकेली टीम जो टीम बची है वो चार प्लेयर के साथ, वो है टीम आईएनडी. अगर वो सिचुएशन को यूटिलाइज करते हैं दे कैन लिटरली टेक दिस गेम ऑफ. गेम की शुरुआत, फाइनल की शुरुआत थी डंके की चोट पे, मुझे नहीं लगता उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी आएगी, और आज का पूरा दिन दे विल बी जस्ट नेलिंग इट. एंड यहाँ पे सोल के क्लच गॉड ने आइकॉनिक को नॉक किया DP28 से. क्लच गॉड बहुत ही लो ऑन हेल्थ है, उसको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, पर यहाँ पे कंटिन्यूस प्रे है नोवा को बाहर करने की कोशिश. वहाँ पे डार्क का कवर फायर एंड वाइपर नॉक होते हुए, आई थिंक वाइपर के पास हेल्थ नहीं बचा. एंड वहाँ पे ट्रांस अब एंटिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए घातक नॉक जोनाथन फिनिश. एंड वहाँ पे एलिमेंट्रिक्स आईएनडी को अभी भी परेशान कर रही है. एलिमेंट्रिक्स वो एकलौती स्क्वाड थी जो आईएनडी के साथ वो हिल पे थे, एंड एलिमेंट्रिक्स अब मूव करते हुए आईएनडी थोड़ा बैकफुट में चले गए. वाइपर वहाँ पे नॉक है, क्लच गॉड मूव एंड स्प्रे का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए वहाँ पे मिस्टर ह्यूजी ने वाइपर को फिनिश ऑफ किया. क्लच गॉड अपने टीम के लिए कमान संभालते हुए ब्रॉल डार्क nice को कर लिया, एंड बहुत ही प्यारा स्प्रे, एंड यहां पे फिनिश करके अपने टीम के लिए एक और किल सिक्योर करने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी. एंड यहां पे 7 पॉइंट्स अपने टीम के लिए निकालते हुए और चौथे स्पॉट पे अपने टीम को ले जाते हुए सोल क्लच गॉड, क्या बेहतरीन गेम प्ले. टीम आईएनडी क्या बेहतरीन टीम स्ट्रेट्स. ट्रस्ट मी इस वक्त अगर पोजीशन की बात करें आईएनडी ने अलग ही लेवल छुआ है, और जो किल्स डिपार्टमेंट में आज क्लच गॉड धुआं बना रहा है, ट्रस्ट मी जस्ट प्रूविंग एवरी वन रॉन्ग. कहाँ था, कौन था ये 3 महीने पहले था, बट आज ही इज मोस्ट हाइएस्ट रेटेड प्लेयर. क्या परफॉर्मेंस है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस. अब जो फाइनल 14 बची हैं वो एलिमेंट्रिक सोल आईएनडी एंड ब्रॉलर्स. ब्रॉलर्स जिसने प्लेन में धमाका मचा रखा था, बट आज देखते हैं वो क्या करेंगे. एलिमेंट्रिक यहाँ पे 4th पोजिशन में नॉकआउट हुए 3 टीम, क्या हो पाएगा. टीम आईएनडी अभी भी 4 प्लेयर के साथ है, दे आर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन. 2 प्लेयर ब्रॉलर्स के बचे हैं, 1 प्लेयर यहाँ पे सोल का बचा है, और ये दोनों तरफ फुल डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देते हैं ईटीजी को थोड़ा सा फॉल बैक करने में मजबूर कर रहे हैं. वहीं पर नोवा आइकॉनिक, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हमारी कम्युनिटी के, उनको पता है इसी सिचुएशन में ऐसा क्या करना है. बट अगर अब एक ही चीज़ है जो आईएनडी को हरा सकती है वो है जोन, जहां पे उनको ओपन में रोटेट करना पड़ेगा, और अगर एक अच्छा स्प्रे कनेक्ट होता है देन ओनली यहां पे आईएनडी के लिए प्रॉब्लम होगा. पर जोन यहां पे आप देख सकते हो क्रेड भाई पूरा टीम आईएनडी को फेवर कर रही है, बाकी सारे टीम्स को अंदर मूव इन करना होगा. यहां पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये रहता है कि अगर क्लच गॉड एंड ब्रॉलर्स के दोनों प्लेयर को ले जाता है या ब्रॉलर्स ले जाता है, तो यहां पे अब सिर्फ पॉइंट्स पोजीशन पॉइंट्स की फर्क रहेगी, बिकॉज टीम आईएनडी विल डेफिनेटली डोमिनेट. चारों बंदे अलाइव है, एंड क्या शानदार गेम प्ले, यू नो फर्स्ट गेम कंपोजर के साथ खेल रहे हैं. 4 पॉइंट और 24 पॉइंट के लिए इन लोग अल्टीमेट टारगेट कर सकते हैं अगर यहां पे कुछ और फाइट हो जाती है. बट यस, दे हैव opportunity to take 27 points at the end. जो टीम को संभाल के रखा जा रहा है ना, जो ऑर्गेनिकली बाइंड करके रखा जा रहा है, कोई ओवर कमिट नहीं, कोई ओवर पीक नहीं, कोई एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करी. स्टिक टू द बेसिस, हमें बस यहाँ पे सर्वाइव करना है, किल निकालना है, चिकन डिनर निकालना है, हमें कोई चौथी चीज चाहिए ही नहीं, और वो ही आईएनडी करके दिखा रही है. बट धीरे धीरे रोटेशन होगी, यहाँ पे क्लच गॉड की मेन फोकस ये होगा कि पहले ब्रॉलर्स निकले तभी जाकर वो गेम रोटेट करें. बट ही इज टेकिंग टू मच डैमेज, ऐसा लग रहा है कि वो शायद हील वॉर को कंटेस्ट करना चाहते, बट वन मोर टेक. अफसोस, इट वॉज अ नाइस टाइप रूट. लाइक पिछले 15 मिनट में इस इंसान ने अपना बेस्ट गेम खेल के दिखाया है, नो डाउट, लाइक वेल डिजर्व, लाइक कुडोज, बहुत अच्छा गेम दिखाया. बट यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे आइकॉनिक नॉकआउट हो चुके हैं, एंड दिस इज द एंड आई बिलीव, बिकॉज दूसरे पे जो भी बचे हैं उसके बाद भी ज्यादा देर वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. और इसी के साथ टीम आईएनडी गेटिंग द वेरी फर्स्ट चिकन डिनर.